हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज बनाने जा रहे हैं हम बैंगन का भरता, जो कि बनेगा बहुत ही टेस्टी। उसके लिए लिया है मैंने ये एक बैंगन, अच्छा साफ बैंगन आप देख कर लें मार्केट से, जिसमें कोई छेद ना हो, कीड़ा ना हो। उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बीच में क्रॉस के टाइप से मैंने काट के रखा है, देखिए। अब इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको घुमा करके चेक करते रहेंगे कि ये कहीं से जले ना, बस अच्छे से सिकना चाहिए, अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा फिर। तो जब हम इस गैस पर भूनकर बनाते हैं तो स्मोकी जो फ्लेवर होता है उसका इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमारा बैंगन जो है वो भूनकर तैयार है और ये गर्म है, इसलिए मैं इसको जो इसके छिलके हैं वो चाकू से निकाल रही हूँ, नहीं तो ये हाथ से भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो हम इस तरह से चाकू से इसके छिलके उतार लेंगे और गर्म जब होता है तभी इसके बहुत बढ़िया तरीके से निकल पाते हैं छिलके। तो आप चाकू यूज करके ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आपका बैंगन ठंडा हो जाए तो आप हाथ से थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे निकालेंगे तो सारे छिलके अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और इसका कोई कड़वापन भी इसमें नहीं आएगा। अगर आपके माइंड में ये क्रॉस क्वेश्चन चल रहा हो कि कड़वापन आएगा, तो वो भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप ऐसे गैस पर भून करके तब बनाएंगे तब, क्योंकि कोयले जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं आजकल घर में, तो हम गैस पर भूनकर बना सकते हैं इसको। अब छिलके जो हैं उनको मैंने उतार लिया है, अब इसका नाकू कट कर लेंगे हम। तो नाकू मैंने कट कर दिया है, अब इसको छिलकों को हम सेपरेट करके अब इसको जो हमारा जो बैंगन था जिसको भूनकर हमने तैयार किया था इसको मैश कर लेना है। और मैश करने से पहले मैं एक बार फिर से इसमें चेक करूँगी, मन में डाउट रहता है कि कहीं कोई कीड़ा ना हो, तो चाकू से स्टेप बाय स्टेप ये हल्के हल्के पीसीस देखती रहूँगी। और ये कांटा चम्मच मैंने ले ली है, इससे भी मैं इसको चेक करती रहूँगी कि कहीं इसमें कोई दाग बीच में दिखे कीड़े का, तो मैं इसको यूज ना करूँ। लेकिन पहले हमने चेक करके लिया था तो इसमें वो सब नहीं है, कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसको हमें कर लेना है मैश, और मैश करने के बाद में हम इसमें लगाएंगे तड़का। और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जिन लोगों को बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं होती वो एक बार ये गोल वाला बैंगन ला के इसका भरता ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और चलिए अब इसमें तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, अब उसमें मैंने ये जीरा ऐड कर दिया है। अभी जीरा सिक गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है। अभी ये इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए, अभी इन्हें हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। हल्का ब्राउन हो तब तक भूने, ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ब्राउन हो जाए तब तक हमें इनको भूनना है। और अभी हो चुका है हल्का ब्राउन, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के जस्ट बाद में मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी ताकि मेरे मसाले भी पक जाएँ और टमाटर जो है वो भी अच्छे से गल जाएँ। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी और ये है रेड चिल्ली पाउडर। और रेड चिल्ली पाउडर के बाद में हम डालने वाले हैं नमक। और रेड चिल्ली पाउडर मैंने थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि हम हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डालेंगे, तो मैंने हरी मिर्ची और लहसुन जो है उनका पेस्ट बनाकर रखा है, जो कि ये रहा मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद में अब इसको जब अच्छे से मिला देंगे उसके बाद में हम धनिया पाउडर और किचन किंग, दो जो हमारे मसाले बच गए हैं वो अब बाद में ऐड करेंगे। अभी मसाला देखो कितने अच्छे से पककर हमारा तैयार हो रहा है और टमाटर भी गलने लग गए हैं। अभी इसमें हम अपना जो धनिया पाउडर है वो भी डाल देते हैं। और ये मैं डालने जा रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, ये भी देखो ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर से चलाएंगे ताकि जो हमारे मसाले जो हमने इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से सब्ज़ी में आए, अच्छा सा टेस्ट आए उनका। तो मसाले डालने का भी एक मतलब एक ट्रिक होती है किस टाइम पर क्या डालना है,
वो भी आप हमेशा ध्यान रखें। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें किचन किंग पाउडर जो है वो ऐड किया है, ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा और सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले में जा चुका है। दिख रहा होगा आपको मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसमें हमने जो मैश किए हुए बैंगन थे वो भी डाल दिए हैं। अब इसको हम मिला देंगे और जब तक हमें मिलाना है तब तक कि बैंगन हमारे अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स ना हो जाएं, तो तब तक के लिए आप इसको मिलाते रहें। और देखिए सब्ज़ी जो है उसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, मतलब तेल रिलीज कर दिया है। तो इतना ज़्यादा ऑयल भी हमने इसमें यूज नहीं किया था, फिर भी आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से हमारी एक क्रीमी फ्लेवर में सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हमें धनिया पत्ती डाल देनी है और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो कैसी बनती है आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो।